9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. कागज के जहाज बना बना के और ऐसे ऐसे फेंकती हवा में जैसे वो उड़ा रही है जहाजों को। ये चांद सितारे क्या हैं, ये कहाँ हैं, तो इनकी पहचान करने के लिए वो कोशिश करती रहती थी। उसका नाम तो रखा ही नहीं हुआ था, घर का नाम उसका मुंडू मुंडू ही बोलते थे सब उसको। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई दाखिल कराने के लिए तो उन्होंने नाम पूछा, तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है। उन्होंने तीन नाम बताए थे उसको, एक कल्पना, एक ज्योत्सना और एक नाम और था। तो इसने खुद बोला कि मेरे को ये नाम रखना है। कौन होता है मेगा आइकन? वो जो सोच से परे मुकाम हासिल करता है, वो जो वहां जाता है जहां पहले जाने की हिम्मत किसी ने हासिल न की हो, या फिर वो जो इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ देता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला होना। हमारे चुने हुए रास्ते ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं, और कल्पना चावला ने चुनी थी सपनों को देखने की राह, वो सपना जिसकी शुरुआत उत्तर भारत में हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुई थी। छत पे चार पहियों पे सोते थे, तो वो देखती रहती थी आसमान की ओर। माँ, ये चांद सितारे क्या होते हैं? उसको बिल्कुल अलग लगता था, ये झुंड क्यों बने हुए हैं और ये किस लिए हैं? तो हम लोगों को जवाब आता ही नहीं था, कभी कुछ कह देना उसको, कभी कुछ कह देना। तो अपनी आप ही उसकी सोच थी ऐसी कि वो इन चीजों को देख के बड़ी भावुक हो जाती थी। कल्पना को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चुना जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और मुझे लगता है उनका करियर ऐसा था जिस पर पूरे देश को नाज था। वो खुद को छोटे शहर की लड़की नहीं मानती थी, हरियाणा के एक छोटे से शहर से होने के बावजूद वो आगे बढ़ती गई और ऊंचाइयां हासिल की। फ्लाइंग क्लब एक करनाल में है, उसके ट्रेनी जो सीखते हैं जहाज उड़ाना वो मॉडल टाउन के ऊपर भी कई बार चक्कर काटते हैं। हमारी छत के आसपास से जहाज जब गुजरा, उसने जहाज उड़ते हुए को देखा था, तो कहती है पापा ये जहाज कैसे उड़ते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती पापा ये जहाज हम देख सकते हैं?
लोग फ्लाइंग क्लब में जाकर वहां के चीफ फ्लाइंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते तो वो उनके और उनके बच्चों के लिए एक जॉय राइड का इंतजाम करा देते थे। तो हाँ, कल्पना और मैं गए थे जॉय राइड पर। उन्होंने हमें तीनों को सारा शहर घुमा दिया, ये है आपका घर जहाँ से ही उड़ते हैं। तो कल्पना तो कितनी खुश थी, वापस आए तो अब कल्पना का जो पांव था ना वो ऐसे ऐसे नाच रहा था। स्टीवन हॉकिंग्स ने कभी कहा था, ऊपर सितारों को देखो ना कि नीचे अपने पैरों को, जो दिखे उसे समझने की कोशिश करो और सोचो कि ये अंतरिक्ष कायम है तो किस वजह से है, जानने की कोशिश करो। दुनिया को शायद नहीं पता था कि कल्पना एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, पर वो शुरू से ही उसके लिए मेहनत कर रही थी। अगर मैं कोई संख्या लिखूं, एक सेट में कोई विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, मैंने खाली सेट के बारे में बताया, और ज्यादातर जानते हैं खाली सेट क्या होता है, यानी जिसमें कोई संख्या नहीं होती। मतलब ऐसा सेट जैसे मानो दुनिया में कुछ भी, आपकी सोची या जानी कोई भी बात उस चीज को कभी पूरा कर ही नहीं सकती। तो मैं उदाहरण गिना रही थी, जैसे ऐसी संख्याएं जिनका अपने से बड़ी किसी दूसरी संख्या से भाग हो सके। सेट में और कौन कौन है? कोई नहीं तो ये खाली सेट होता है। खाली सेट या जीरो सेट। इसी तरह मैंने असल जिंदगी से उदाहरण दिए। भारत में महिला एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं जीरो सेट है या खाली सेट है। मेरे लिहाज से वो अच्छा उदाहरण था, पर सुनिए मैम। बोलो कल्पना। मैम आज सेट खाली है, पर हो सकता है आने वाले सालों में ये खाली ना रहे। उसके सवाल से मैं तो एकदम चौक सी गई, पर मैंने कहा हाँ हाँ। आने वाले सालों में तुम में से कोई एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है और तब सेट खाली नहीं रहेगा। मैं उस वक्त उसकी आंखों में वो चमक नहीं देख पाई और आगे पढ़ाने लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि शायद उसने उसी पल ये सोच लिया था कि टीचर को गलत साबित कर दूंगी। उसने ये तय कर लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपनी ग्रेजुएशन करे और स्कूल टीचर बनकर अपना परिवार बसाए और फिर एक शादीशुदा जिंदगी बसर करे। कल्पना पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर थी और खाली वक्त में वो कुछ न कुछ पढ़ा करती थी, जोश जगाने वाली कहानियाँ या साइंस फिक्शन। उसकी पसंदीदा किताबों में से एक थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। रिचर्ड बाक की लिखी किताब बताती है कि ज्यादातर सीगल्स किनारे से अपने शिकार तक की उड़ान भरकर लौट आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाना हासिल करने के लिए ही उड़ते हैं। उनकी उड़ान में कोई रुकावट आने पर उनके झुंड में उनकी बेइज्जती और बदनामी हो सकती है, लेकिन नौजवान और उम्मीदों से भरे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में हर तरह की उड़ान के लिए जुनून था और वो गजब की रफ्तार से उड़ान भरा करता था। और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की ही तरह कल्पना चावला में भी एक आम जिंदगी नहीं बल्कि जबरदस्त ऊंचाइयां पाने की धुन सवार थी। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर उड़ान भरने के लिए गजब का जुनून चाहिए होता है। इतिहास की बात करें तो महज 565 लोग ही अंतरिक्ष में जा पाए हैं,
और कल्पना चावला उनमें से एक होने वाली थी। हमारे घर में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। उसकी अपनी सोच थी कि मुझे आगे इंजीनियरिंग करनी है, चंडीगढ़ जाना है मुझे पढ़ने। यहाँ करनाल में भी अलग अलग कॉलेजों में पढ़ी है अपने स्कूल को छोड़ के। लेडीज कॉलेज में भी एक साल दयाल सिंह कॉलेज में, दो साल यहाँ करके फिर चंडीगढ़ गई। किसी को पता ही नहीं, वो अपने दिमाग से ही सब कुछ सोचती थी मुझे कहाँ क्या करना है। तो चंडीगढ़ भी वो अपने डैडी को लेके नहीं गई है। मुझे कहती थी मैं उनके साथ नहीं जाना, वो सिफारिश करेंगे, मुझे सिफारिश से दाखिला नहीं लेना है। ज्यादा बड़ी चुनौती थी उसका वो विषय पढ़ने का फैसला करना जो ज्यादातर लड़के चुनते थे। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे लिया गया तो मैं उसके साथ था और आखिर में उसे तय करना था कि वो किस इंजीनियरिंग की ब्रांच में जाना चाहती है। उस दौरान लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें इंजीनियरिंग पूरी होते ही नौकरी मिलना तय था। उसके बाद थी इलेक्ट्रिकल और फिर सिविल, पर उसने इन तीनों को नहीं चुना और बोली उसे एरोनॉटिक्स करनी है। वहां जो एक काउंसलिंग के लिए शख्स बैठे हुए थे, शायद कोई सीनियर प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने कल्पना को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जब भी मैं कल्पना के बारे में सोचता हूं तो क्लासरूम में बैठी वो छोटी सी लड़की याद आती है। वो अगले ही बेंच पर बैठती थी। बहुत गंभीरता से वो अपने सवालों को पूछा करती थी। क्लास उसके सवालों की कदर करती थी और तारीफ करती थी। उसके फर्स्ट ईयर के दौरान तो कुछ खास देखने में नहीं आया, सिवाय इसके कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वो पहली छात्रा थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों का हॉस्टल नहीं था, लेकिन ये चीज कल्पना के रास्ते की रुकावट नहीं बनी। वो ऐसे माहौल में थी जहां उसे शायद डर रहता था, ये मेरा अंदाजा है, और उस डर को दूर करने के लिए उसने कराटे सीखे। बेशक वो कराटे में बहुत अच्छी थी, अपने हाथों से ईंटें तोड़ सकती थी, उसमें सबसे अच्छी बात थी कि वो शांत रहती थी। मैंने उसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही उसे कभी थकते हुए देखा। वो तो पूरी क्लास में जोश बनाए रखती थी। उन दिनों मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो गया था और मैं उन दिनों रोज बाहर जाता था, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में। तो उस वक्त मैं गाड़ी में बैठ गया तो कल्पना की आवाज आई, पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वापस कब आओगे? मैंने कहा कोई एक महीना लग जाएगा। एक महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। इधर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने की ठान चुकी 21 साल की कल्पना ने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के फॉर्म भर दिए। और वो उसे दाखिला देने को भी तैयार हो गए, लेकिन फिर उसके सामने कहीं और से नहीं अपने घर से चुनौतियां पेश आईं। जब मैं वापस आया 2 महीने हो चुके थे, कल्पना मुझे चाहिए थी मिलनी, वो मिली नहीं घर में, तो उसका मां का पारा भी हाई था। मैंने पूछा कल्पना कहाँ है? कहती अब आ गए तो अब कल्पना याद आ गई, चंडीगढ़ गई है। क्या करने गई है? जाओगे तो पता चलेगा। और सुबह हुई तो मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। जाके प्रिंसिपल साहब से कहा, जी मुझे कल्पना से मिला दोगे? मुझे वो जानते थे तो अपने दोस्त की तरफ इशारा करके कहते हैं, देखो ये मिस्टर चावला है,
इनको आप नहीं जानते, इनके पास पैसा है और कुछ भी नहीं है। तो मेरे पसीने छूट गए मैंने जब ये बात सुनी। ये बात उन्होंने अपने दोस्त को कही। कल्पना ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, इस गेट में हम दोनों जने खड़े हुए हैं। तो जो दो चार मिनट हम खड़े रहे, वो पीरियड उसका कंप्लीट हो गया। कल्पना ने अपना चाक जो है वो रखा नीचे और यूं घूमी तो उसको सामने मैं नजर आ गया। पापा, पापा, रोते रोते सिसकियां ले लेके, पापा आपने मेरा करियर खराब कर दिया। पापा कह रही है कि पापा आपने मेरा करियर खराब कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे उसका करियर खराब कर दिया। तो मैंने उसको कहा बेटे मुझे रो के नहीं बताओ, मुझे बताओ मैंने क्या किया है। और उसके हाथ में एक फोल्डर था, वो मुझे दे दिया। मैंने फोल्डर खोल लिया, उसमें दो लेटर से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, दोनों ने उसको एडमिशन ग्रांट की हुई थी और उसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त। उस वक्त था 28 अगस्त। एक चिट्ठी में तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये सब्जेक्ट हम बाहर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते, आपका कैरियर देखते हुए हमें खुशी है आपको एडमिशन देते हुए। मेरे आंसू निकल गए। अब मेरे आंसू जब उसने देखे जो उसका पारा था वो डाउन हो गया। आप रहने दीजिए पापा, बहुत लेट हो गया, मैं अगले साल चली जाऊंगी, वैसे भी मेरी यहाँ पर जॉब लग गई है, तो मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगी, मैं अपने पैसों से जाऊंगी। तो मैंने कहा बेटे तू अगले साल क्यों जाएगी, तू अब क्यों नहीं जाती। मेरे पास वीजा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है और ना ही पैसे, और मैं दिमागी तौर से भी तैयार नहीं हूँ। तो मैंने अपना कहा उसको बेटे तू सारी बातें जितनी कही हैं उनमें से एक बात तू अपने जिम्मे ले ले। तू कहती है मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, सिर्फ ये, और बाकी बातें मुझ पर छोड़ दी। उसको ये पता था पापा के मुंह से अगर निकल गई बात तो काम हो गया। कहती हाँ पापा मैं तैयार हूँ अगले सेकंड में। उसने आर्लिंगटन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हमें वहां रिपोर्ट करना था तो मैं उसके साथ गया। अमेरिका आने के बाद 21 साल की कल्पना, या जैसा कि उसे बुलाया जाता था केसी, ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। कल्पना शुरू में तो मुझे बड़ी शर्मीली लड़की लगी और लगा नया माहौल है, छोटी लड़की है, शायद पहली बार इंडिया में अपने बड़े परिवार से दूर आई है, पर वो बड़ी जल्दी यहाँ के हिसाब से ढल गई थी क्योंकि मेरी क्लास में आने तक वो खुद में काफी तेजी से बदलाव लाने लगी थी। कल्पना जैसे सबसे अलग थी इस लिहाज से कि उसमें बहुत जुनून था, बहुत मेहनती थी और बहुत मन से काम करती थी। पढ़ने को लेकर वो बहुत संजीदा थी, इसलिए उसने कभी टालमटोल नहीं की। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। जाहिर है उसके मन के किसी कोने में होगा ये उस वक्त, और मुझे लगता है उसने इसे ढाला था, मतलब उसकी पढ़ाई के लिहाज से न सिर्फ यहाँ यूटी आर्लिंगटन में बल्कि कोलोराडो में भी, और आखिरकार वो नासा एम्स पहुंच गई। उसने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन दी जिसमें दाखिला मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है जिस साल वो वहाँ गई थी तब शुरू में करीब 4000 लोगों ने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। ये NFL फुटबॉल टीम में शामिल होने की कोशिश करने जैसा था और जबरदस्त कंपटीशन था। उसने
1994 में कल्पना नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुनी गई। जब मुझे पता चला कि उसे नासा ने एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुन लिया है, तो वो ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तब बहुत अच्छा लगा था, ऐसा कि बस बता ही नहीं सकता। मतलब समझ नहीं आया कि कैसे इसे मन में रोक कर रखूं। मैं उस वक्त दिल्ली में था, मेरी एक पेशी थी इनकम टैक्स की किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो मैं वहाँ आया हुआ था, तो वहाँ ही मैंने अखबार ली। उसमें फ्रंट पेज पर फोटो भी थी, कल्पना नासा में सिलेक्ट हुई है, इंडियन लड़की और वो एस्ट्रोनॉट है। और फिर मैंने उस मजिस्ट्रेट को भी दिखाई थी जिसके पास पेशी थी मेरे। मैंने कहा मैं इस लड़की का बाप हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहली या दूसरी लड़की बनूंगी, या मैं छोटे शहर से हूँ। मुझे तो बस ये करना ही था, मैं बस ये काम दिल से करना चाहती थी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक क्या है, ना ही फर्क पड़ता है औरत होने से। हम सब बस एक दल के सदस्य थे। एस्ट्रोनॉट बनने का प्रशिक्षण बहुत मुश्किल होता है और इसे पूरा करने में कम से कम 1-2 साल लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हर तरह का हुनर सीखते हैं, उन्हें मेडिकल प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं, जेट्स उड़ाना सिखाया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि लोगों के सामने कैसे बोलना है। उन्हें अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के रिवाजों और उनकी तहजीब के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अलग अलग देशों से आते हैं और एक टीम के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। ये है शटल लॉन्च कंट्रोल, T-3 hours एंड काउंटिंग। हमारा काउंटडाउन बिना किसी तकनीकी दिक्कत के आगे बढ़ रहा है, सारे काम वक्त के हिसाब से हो रहे हैं। 36 साल की कल्पना अंतरिक्ष में पहली बार 19 नवंबर 1997 को गई थी। मैंने उससे पूछा था, बेटे अब तू बता तेरी स्पीड कितनी है? कहती है 5000 मील से लेके 25000 मील पर आवर्स। 5, 3, 2, 1, कोलंबिया STS-87 ने 15 दिन की उड़ान में 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था। कोलंबिया ह्यूस्टन ऑर्बिट में शिफ्ट करके जगह बदलते हुए ऑर्बिट 2 में जा रहा है। एस्ट्रोनॉट होने के लिए इसके साथ एक दूसरे प्रोफेशन को भी चुना जाता है, तो एस्ट्रोनॉट्स हमेशा किसी और चीज में भी माहिर होते हैं और तब जाकर वो एस्ट्रोनॉट बनते हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले वो जियोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। और कल्पना चावला की बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छी फ्लूइड डायनामिसिस्ट थी। वो रोबोटिक आर्म्स बहुत अच्छे से ऑपरेट करती थी और साथ ही विंड फ्लो भी बहुत अच्छे से समझती थी, और ऐसी बहुत सी चीजें थी और ऐसे ही वो काम थे जो उन्होंने अंतरिक्ष में संभाले थे। हमारे लिए उस पर नाज करने का ये एक बहुत ही खास मौका था, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए भी। मेरे बच्चों को इस पर काफी नाज था और वो अपने क्लास के साथियों को बताते थे कि मेरे पापा ने कल्पना चावला को पढ़ाया है। पूरे देश को पहली भारतीय महिला के अंतरिक्ष में जाने पर नाज था। अंतरिक्ष के आगे भले ही कुछ न हो,
पर कल्पना के मन में सितारों के लिए खास जगह थी। धरती सिर्फ नीलापन ओढ़े नहीं दिखती, बल्कि इसमें तमाम रंग दिखते हैं। बहुत ही गजब की है ये। जैसे एक तरफ सहारा दिखाई दिया और उसी के साथ दिखाई दिया विशाल हरा समुद्र। खूबसूरत नजारा था वो। खुद सहारा सुनहरा भूरा दिखता है। कमाल की बात ये है कि कहीं धब्बे भी होते हैं तो वो खो जाते हैं। हर चीज खूबसूरत दिखाई देती है। लगता है जैसे ये पूरी जगह बहुत पवित्र है। महसूस होता है जैसे इसका मान रखने के लिए मुझे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी बाकी इंसानों के साथ। कल्पना अक्सर बताती थी कि वो धरती को किस नजरिए से देखती हैं और कैसे खुद को धरती का एक हिस्सा मानती हैं। उन्होंने बताया था कि वो खुद को सोलर सिस्टम के नागरिक जैसा मानती हैं, ना कि किसी देश के एक नागरिक जैसा। वो अक्सर धरती की नजाकत के बारे में बात करती थी और कहती थी कि कैसे जीवन इसकी हदों तक ही सीमित है। हमें ऐसी कोई और जगह नहीं पता जहां ये हो सकता है। उन्होंने हमेशा से ही धरती को सहेजने की अहमियत पर जोर दिया था और आज जिसे हम झेल रहे हैं उस मौसमी खतरे को देखते हुए हमें सच में उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। रात में चक्कर काटते हुए एक बार मैंने फ्लाइट डेक की रोशनी कम करके सितारों को देखा। आकाशगंगा और सितारों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप जमीन के किसी खास टुकड़े से नहीं हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड से हैं। अगर मैं और आगे की बात करूं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तारों के दूसरे झुंडों तक जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे, हम कहां से आए हैं। मैं तो आकाशगंगा की रहने वाली हूं। सोलह जनवरी 2003 को 41 साल की कल्पना कोलंबिया STS-107 पर दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। उनके साथ दो और देशों के 6 क्रू मेंबर्स थे। वो एक उनका अपार्टमेंट है, वहाँ वो सारे क्रू मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं एक दिन दो दिन। तो जिस दिन लॉन्च होना है उस वक्त वहाँ से लेके उनको सीधा लॉन्च पे ले जाते हैं। तो जब हम पहुंचे तो कल्पना भी इंतजार कर रही थी हमारी। वहां गए तो ऊपर वाली छत पर वो थे सारे क्रू मेंबर्स और नीचे उन्होंने 5-6 डॉक्टर, कोई कान को टेस्ट करने वाला, कोई आंख को टेस्ट करने वाला, कोई नाक को, कोई दांतों को, कोई छाती को, कोई फलाना फलाना, वो बैठाए हुए थे। जब वो चेकिंग कंप्लीट हुई तो हम सारे ही पास हो गए। तो फिर हम जब उनको मिले तो हमें सिर्फ 45 मिनट मिले, हम 9 जने थे। तो सारे 5-5 मिनट उससे बात करके तो इधर बैठ जाते, 5 मिनट बात करके इधर बैठ जाते। ये टाइम चला गया। सबके मन में कसक थी कि हमारे कल्पना जो है उसके लिए टाइम बहुत थोड़ा मिला है। टेक ऑफ से पहले कल्पना ने अपने पिता को गले लगा लिया। शायद इस पल को बनारसी लाल चावला कभी नहीं भूल सकते। उसके प्रोग्राम से जुड़ने के बाद मैं अच्छी तरह जानता था कि यह बहुत ही खतरनाक चीज है। इसमें लैंड करते हुए जान गंवाने का खतरा होता है, ये बात जानते हैं आप। यही चीज आपको अलग बनाती है। T-5 minutes and counting. Final test of the flight control surfaces is now being conducted. लॉन्च को देखना काफी शानदार होता है। बेशक हमें बुलाया गया था और लॉन्च वाले दिन वो हमें उस जगह ले गए जहां से वीआईपी देखते हैं,
जो मेरा ख्याल है लॉन्च साइट से तकरीबन 3.25 किलोमीटर दूर थी। जितने करीब जाने की इजाजत थी हम लॉन्च साइट से उतनी ही दूरी पर थे। और जब इंजन्स चालू हुए तो सीने में उसकी झनझनाहट महसूस हो रही थी, साफ सुनाई दे रहा था। एक धमाके जैसा लगा था वो। कोलंबिया एसटीएस 107 का क्रू कई इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे चुका था। मुझे हुए अजीब से एहसासों में से एक था कि जब मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे ही ख्याल घूम रहे थे। क्योंकि आप भारहीन होते हैं, आपको अपना शरीर महसूस नहीं होता, बस एक ही चीज हावी होती है, वो है आपका दिमाग। कमाल की बात है कि आप अपने ख्यालों को छोड़कर कुछ महसूस नहीं करते। एक फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 15 दिन और 22 घंटे रहने के बाद शटल ने धरती की तरफ लौटना शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे उनका शटल जो है वो वापस आने वाला था और हम टीवी पर बैठे हुए शटल को देख रहे थे। हम बरामदे में खड़े होकर इसको उतरता हुआ देख रहे थे। शुरू में तो मुझे ये कुछ ज्यादा ही चमकता हुआ मालूम दिया, लगा जैसे उसमें से धुआं कई जगह से निकल रहा है। बाहरी टैंक के फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटा और ऑर्बिटर के बाएं विंग में जाकर फंस गया और लौटते वक्त धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने पर शटल भी टूटकर बिखर गया। और देखते देखते वो जो था वो अपनी बंद कर गया, टीवी अपनी वो जो प्रोग्राम था। हमें जोर का धमाका सुनाई दिया, पर साथ ही उस वक्त शटल जहां पर था उसके ठीक नीचे शॉक वेव जमीन से टकराई होगी और उसके साथ आगे तक गई होगी, तो शुरू में तो मुझे वो बस एक सोनिक बूम जैसा लगा। एक दो मिनट के बाद फिर दोबारा चालू हुआ तो उस वक्त जो नासा के चीफ थे वो थे टीवी पर, तो उन्होंने ये खबर बताई नहीं कि ये हो गया है, और उनकी आंखें जो थी छमछम कर रही थी और हमारा दिल टूट चुका था। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक प्रयोग कामयाबी से पूरे हो चुके थे, लेकिन शटल पर सवार लोग नहीं बच पाए। उस दिन 7 जाबाज क्रू मेंबर्स हमसे जुदा हो गए और कल्पना चावला भी अपने घर नहीं लौट पाई। 2-3-4 घंटे नहीं आना उसकी, हम 4 घंटे बैठे रहे। नहीं कि इधर से दिल्ली से हमें फोन आ गया, यहां के टीवी दिखा रहे थे कि ये हो गया है। फिर तो बस पांव जो थे खिसक गए जमीन से। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई क्या कर सकते थे।
मुझे बिल्कुल भी सदमा नहीं लगा था, सच कहूं तो। बल्कि मुझसे ज्यादा तो वो लोग जानते थे कि स्पेस शटल में जाना बहुत ही खतरे वाला काम होता है। आपको एक अलग किस्म का इंसान होना होता है, कई चीजें खासतौर पर सीखनी होती हैं, तब जाकर आप बनते हैं एस्ट्रोनॉट। जब कल्पना नहीं आई तो फिर मैंने एक दिन नासा को कहा कि जी मुझे उसका दफ्तर तो दिखा दो, कहां बैठती थी वो, तो ले गए उसके दफ्तर। उसके दफ्तर में हमने देखा उसकी मेज पर लैपटॉप खुला पड़ा है और एक कोने में एक फोटो है, वो भी उसके मां बाप की थी, और इधर वाले कोने में छोटे 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 जहाज हैं, टॉय जहाज, वो लाइन लगाई हुई है उसमें जो हमने देखी है। तो उसको लव थी जहाजों से और मां बाप से। कामयाबी की मिसाल कल्पना चावला ने विज्ञान के लिए अनथक काम किए। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में उन्होंने रिसर्च के लिए एक काम के लिए अपनी सहूलत और आराम तक की चिंता नहीं की। कोलंबिया में एक्सपेरिमेंट्स में से एक था बौछार का एक्सपेरिमेंट। इसमें पता लगाना था कि पानी की कितनी बारीक बौछार आग बुझाने में मदद कर सकती है। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी दिक्कत थी, एक वैक्यूम पंप था जो ठीक से काम नहीं कर रहा था और धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को इसका हल ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। और 16 दिन के इस मिशन के 13वें दिन पर शटल पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई थी उनके निजी कामों के लिए, और इस आधे दिन की छुट्टी को ना लेते हुए कल्पना इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में जुट गईं। उन्होंने लीक को ठीक किया और इस तरह वो परीक्षण कामयाब हुआ। डॉक्टर एंजल मैड्रिड जिनका ये परीक्षण था, उन्होंने कल्पना को एक चिट्ठी लिखी। वो कल्पना को केसी के नाम से पुकारते थे। उस चिट्ठी में उन्होंने उनके काम की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आज भी वो चिट्ठी हर कोई पढ़ सकता है। उनकी दिली इच्छा थी कि वो खुद कल्पना से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करें, पर बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। अब मैं आपको जब सोचता हूँ कि आपने उस दिन ये इतना बड़ा काम कर लिया, तो कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि ये काम तो बहुत मुश्किल था जो आपने किया, और जब कर रही थी तो मैं बड़ा खुश होता रहा, और फिर मैंने ये ठान ली कि मैं आपको मिलूंगा। अब आप नहीं मिली, मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आप अंतरिक्ष में मुझे लाइट करती रहेंगी एक चमकती रोशनी की तरह, ताकि मुझे रास्ता मिलता रहे और मैं आप तक पहुंच सकूं। ये लेटर लिख के तो डॉक्टर एंजल साहब पर्सनली करनाल तशरीफ लाए और ये मुझे लेटर दे के गए हुए। मेरा ख्याल है कल्पना की जो सबसे खुशनुमा याद है वो है मेरे पीछे लगा ये फ्रेम जो उसने मुझे अंतरिक्ष के अपने पहले सफर के बाद यहाँ आकर दिया था। ये तस्वीरों वाला फ्रेम मुझे डिपार्टमेंट चेयरमैन के नाते दिया गया था। मेरे पास घर पर भी ऐसा ही तस्वीरों वाला एक फ्रेम है जो थोड़ा ज्यादा अपनेपन वाला है, तो ये वो चीज है जिस पर मुझे सच में नाज है। कल्पना स्टेम में औरतों के लिए शुरुआती इंटरनेट यानी इंटरनेट से पहले की मिसाल जैसी लड़की थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे किसी अनजान जगह से आई हुई एक अकेली लड़की के लिए ऊंचाइयों तक का सफर कैसा होता है, खासकर अगर बात की जाए स्टेम की, जिसमें औरतों की कम भागीदारी होती है, खास तौर से भारत में। पंजाब का वो कॉलेज जहाँ वो पढ़ी थी, उस वक्त वहाँ गर्ल्स हॉस्टल नहीं हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ एक है और उसका नाम है कल्पना चावला छात्रावास। न्यूयॉर्क में एक सड़क है कल्पना वे, इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। काफी सारी ऐसी सड़कें हैं और यूनिवर्सिटीज के विभाग हैं जिनका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कल्पना, एक एस्ट्रॉइड का भी नाम कल्पना दिया गया है।
मुझे उस पे गर्व ये है कि वो एक स्पेशल थी, कल्पना एक यूनिक थी, जिस काम को वो हाथ में लेती थी उसको पूरा करके छोड़ती थी और उसके ऊपर मेहनत करती थी। स्पेस में उसने जो काम किया, जो टेस्ट किए, नासा उसका कायल है। कल्पना की सबसे पसंदीदा किताब जॉनथन लिविंगस्टन सीगल में प्रमुख किरदार के अंदर सवाल घुमड़ते रहते थे, और इतना ही नहीं, अपनी मौत के पल में भी वो हंस रहा था। उसने स्वर्ग को खोजा और उसमें जाने के लिए ऊंची उड़ान भरी, और अब बारी थी कल्पना की। वो सितारों की तरह चमकती है, पूरी दुनिया में चमकती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं। आपको ये पता है, पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, कंट्रीज हैं डिफरेंट, कल्पना को याद करते हैं। सूरज का उगना और छुपना सब बिल्कुल जैसे बहुत तेजी से बीत रहा था। एकदम काला अंधेरा था, फिर वो काली से बैंगनी हुआ, नारंगी हुआ और लाल हो गया। ये सब हुआ वायुमंडल की उस बारीक सी धारी पर, और फिर सूरज उगाया। सूरज ढलने पर चांद दिखा, जो गोलाई से एकदम पैना था, जिसका रंग था मटमैला सफेद। फिर चांद हमसे तेजी से दूर होता गया और धरती की गोलाई में खो गया, बिल्कुल किताब की कहानी की तरह जो आप बचपन में पढ़ते हैं। कल्पना की जिंदगी सबसे अलग थी। वो सितारों तक पहुंची और उनसे आगे निकलने के बाद भी नहीं रुकी। वो पाबंदियों को अनदेखा करती गई, उम्मीदों को छकाती गई, और सिर्फ एक मकसद पर नजर रखते हुए आगे बढ़ती गई। कल्पना दुनिया को पीछे छोड़ गई, क्योंकि देखने को भी बहुत कुछ था और जानने को भी। हम सलाम करते हैं कल्पना चावला को, जो हमें सपने देखने और दुनिया को हैरानी के साथ देखने का हौसला देती है। जरा नजरें उठाइए, शायद आपको वो नजर आ जाए। Oh,